राम राम सही भाइया ना, मैं आपका दोस्त राहुल हाजीपुरिया स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो बहुत पेचीदा है और बहुत ही ख़तरनाक है। मैं कहता हूँ कि ऐसा वीडियो आपने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा और ना ही आप देखना चाहोगे, और देखा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसे वाक्य बहुत कम मिलते हैं, और देखना इसलिए चाहोगे क्योंकि इसके बारे में जो बताने जा रहा हूँ वीडियो में वो बहुत ही अलग है और बहुत ही ख़तरनाक स्टंट है ये, जो कि दो व्यक्तियों ने करके दिखाया है इस चीज़ पर। दोस्तों मेरे बारे में जो वीडियो चल रही है इसमें एक व्यक्ति घायल दिख रहा है, जिसके हाथ में चोट लगी हुई है और उसको कुत्ते तरह पीटा गया है। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि उसको मारा पीटा गया है। और दूसरी ओर एक महिला दिखाई दे रही है आपको, जिसकी मांग में वो सिंदूर भर रहा है। अब ये कहानी शुरू होती है बिहार से, ये कहानी बिहार शुरू होती है, ये बिहार का वाक्य सामने है, क्योंकि ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका है, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही शादीशुदा है। जो महिला है, जो प्रेमी है महिला का, वो उसके ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, और जो ये महिला है जो कि उसकी प्रेमिका है उसके 2 बच्चे हैं, और ये दोनों ही शादीशुदा हैं। आप ये तो जानते हो कि भाई जिसके 2 बच्चे इसके 3 बच्चे शादीशुदा ही होंगे ऑलरेडी वो तो, लेकिन उसके बावजूद में इनके अंदर इतना प्यार जाग गया किसी तरीके से। और प्यार जागने के बाद में ये जो प्रेमी है डेली प्रेमी के घर में मिलने के लिए आता था, जैसे उसका पति काम पर चला जाता था वैसे ही ये प्रेमी उसके घर पर आता मिलने के लिए। और इसका जब जानकारी धीरे धीरे आसपास के मोहल्ले पड़ोस में शुरुआत हुई मिलने की, कुछ रुपये से स्टार्ट हुई, तो उसके बाद में इसको उसके पति ने रंगे हाथ पकड़ा। रंगे हाथ पकड़ने के बाद में उसका जो रिएक्शन है, जो भी उसका एक्शन लिया उसने सब लोगों से पूछ के, तो आपके सामने चल रहा है बराबर वीडियो में, क्योंकि उसने इसको प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ने के बाद में पहले तो बहुत अच्छे तरीके से मारा, अच्छे तरीके से तोड़ा, आप देखते चोट के निशान भी और बलियान में, यानी कि किस हालत में उसको पकड़ा होगा। आप खुद ही सोचिए और दिमाग लगाइए कि इसमें ऐसा क्या होगा, हुआ होगा उस वक्त में जब उसने इसको दोनों को बंदों को पकड़ा है। उसके बाद में ये महिला की उसने सब लोगों ने, गांव वालों ने, मोहल्ले पड़ोसों ने सलाह करी कि भैया इसकी से शादी करा दो, यानी कि तो शादीशुदा होने के बाद दोनों ने फिर भी पति ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चों की खातिर उसको छोड़ दिया कि भाई अब इसका हमारे से संबंध नहीं हो सकता, इसके हमारे साथ परिवार में नहीं चल सकती है। उसने उसी प्रेमी से उसकी शादी करा दी जिससे कि वो प्यार करती थी, क्योंकि बच्चों से प्यार करती नहीं थी वो, नहीं अपने पति से प्यार करती थी, उसको तो नया प्रेमी चाहिए था, नया पति चाहिए था, तो उसकी ख्वाहिश उसके पति ने पूरी कर दी है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से मांग भरी जा रही है, किस तरीके से वो रो रही है अब, यानी कि रोने का एक्टिंग भी कर रही है, अब रो रही है, पछतावा हो रहा होगा उसको भी। और जो प्रेमी है वो देखो चुदी सीकर लेके बैठा हुआ है, यानी कि चुदी पिटी सीकर लेके बैठा हुआ है, और देखो किस तरीके से मांग भर रहा है। अभी भी उसको अफसोस नहीं है कि मैंने जो गलती की है और मैं इस चीज़ पर पछतावा करूँ, लेकिन इस चीज़ पर तुरंत ही गाँव वालों ने उसकी शादी करवा दी। महिला रो रही है, कैमरे सामने मुँह छुपा रही है, बुरा हाल कर रही है रो रो के। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आजकल ये क्या चल रहा है। इससे पहले कभी होता था तो कुंवारे लड़के लड़की होते थे वो भाग जाते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जो शादीशुदा महिला हैं, जो शादीशुदा प्रेमी हैं, वो आजकल ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको लगता है ये सब चीज़ आसान है। इससे क्या होता है कि एक घर नहीं कई घर बर्बाद हो जाते हैं, जैसे कि अपना घर, मायके, उसके बाद में बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाती है। लेकिन इनको क्या है, 2 मिनट के सुख के में और 2 मिनट के प्यार के चक्कर में ये कई बंदों का जीवन खराब कर देती है। इस महिला की और इस पुरुष की भी इतनी गलती है कि उन्होंने प्यार करो प्यार को इस अंजाम तक ले आया कि ये एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे कि एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, यानी कि चाव हो गया था।